महाबलेश्वर डे टू के ब्लॉग में मैं आपको लेके चल रही हूँ प्रतापगढ़ किला, जो कि बहुत ही फेमस है और हिस्ट्री के किताब में हमने इस किले के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदी की जो हमारी हिस्ट्री की बुक होती है उसमें इस किला को कुछ ऐसा दिखाया जाता है, और यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। चलो फिर चलते हैं। गाइस, यहाँ से ये किला का मुख्य द्वार है जो बहुत खूबसूरत है, और सामने से आपको द्वार दिखेगा लेकिन दूर से यानी नीचे खड़े होने पे आपको दीवार नहीं दिखाई देता। हमने यहाँ पे एक लोकल गाइड लिया जो हमें अराउंड 300 चार्ज किया। इसके लिए गाइड की पर्ची आपको लेनी पड़ेगी। और ये देखिए, ऊपर के साइड में जो आपको दो बड़े बड़े से दिख रहे ना रास्ते, इसी से किला के अंदर जाते हैं। और ये किला बहुत बड़ा है और इसे घूमने में तकरीबन आपको एक घंटा लग सकता है। तो चलिए फिर चलते हैं। सो गाइज, अब हम लोग चल रहे हैं शिवाजी महाराज के फोर्ट को देखने के लिए, और महाबलेश्वर का ये सबसे फेमस फोर्ट है। और गाइज, इस जगह की मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि ये हमारे कल्चर से रूबरू कराता है, हमारे शिवाजी महाराज की याद दिलाता है और उनके शौर्य और वीर की गाथा को हमारे दिल से रूबरू कराता है। तो मैं आपको अब उसी लोकेशन पे लेके चल रही हूँ, तो चलो आप मेरे साथ बने रहिए। और आप देखिए, बैक साइड में ये दिखता है, ये हमारे शिवाजी महाराज का किला है और हमारी टोली हमारे पीछे चल रही है। लेट्स गो, चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो गाइड था वो हमें इस जगह पे लेके गया, क्योंकि ये जो जगह जिस जगह पे मैं जा रही हूँ, आपको हिस्ट्री के बुक्स में जब भी ये कुछ दिखाया जाता है या आप या गूगल पे सर्च करते हो तो इसी भाग को दिखाया जाता है। उसके बाद इस दुर्ग के अंदर जाते हैं, बहुत सारे गेट्स हैं इसमें बने हुए, सीढ़ियों से ही जा सकते हैं आप। यहाँ पर आपको पैदल चलना होगा, गाइड आपको समझाएगा कुछ इस तरीके से। और ये है गेट नंबर 2। उसके बाद इस मंदिर के अंदर एक माँ भवानी की बहुत ही बड़ी मंदिर मूर्ति है और मंदिर बना हुआ है, जिसमें लोग पूजा पाठ करते हैं। और इसमें शिवाजी की समय के शिवाजी की तलवार भी रखी गई है, और संजोग से हमने उसका दर्शन भी किया। देखिए, यहाँ पे मंदिर में आरती चल रही थी जिस वक्त हम एंटर किए, तो बहुत अच्छा लगा, हमने आरती की। और साथ ही में आपको पूरा इसमें इस पूरे प्रांगण में 3-4 मंदिर है, जैसे एक तो माता भवानी की मंदिर है और दूसरा मंदिर हनुमान जी का और शिव जी का मंदिर। फिर गाइड हमें कुछ कुछ चीज़ें बता रहे थे कि ये जगह से आप देख सकते कैसे पूरा दुर्ग दिख रहा है, और यहाँ से शिवाजी नज़र रखते थे अपने पूरे सतारा डिस्ट्रिक्ट पे, और भी चीज़ों पे नज़र रखा जाता था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहास के जानी गई, बहुत अच्छा लगा अपने इतिहास को जान करके हमें यहाँ पर। और इसके बाद हम शिवाजी गार्डन भी घूमे थे, जहाँ शिवाजी की प्रतिमा घोड़े पर सवार बनी थी। और गाइस, मैं आपको एक छोटा सा नॉलेज देना चाहती हूँ कि शिवाजी की किसी भी बीमारी की वजह से मृत्यु नहीं हुई थी उनकी मृत्यु। वो अपने टाइम में ना इतना ज़्यादा युद्ध लड़े थे और इतना ज़्यादा वो ट्रैवलिंग करते थे, तो उनके घुटने में दर्द हुआ था, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी वो। और आप देख सकते घोड़े को एक पैर उठा हुआ है, तो ये भी गाइड ने हमें बताया कि इसका मतलब होता है कि कोई राजा युद्ध में वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ है, वो नॉर्मल किसी वजह से नॉर्मल सामान्य मृत्यु मिली है उसको। और बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए हमने, बहुत कुछ घूमा। और महाबलेश्वर के ब्लॉग में मैं आपको यही दिखा रही हूँ। सो गाइस, महाबलेश्वर आते ही तो आप लोगों को अगर शिवकालीन विलेज और हस्तकला के शोरे से शौकीन है तो आप खेड़े गांव आ सकते हैं, यहाँ पे आपको एंट्री 50 रुपीज़ चार्ज। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ किले के बाद हम गए थे खेड़े गांव देखने के लिए, जो कि वो भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और खेड़े गांव का कंप्लीट टूर वीडियो मैं अपने आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस, महाबलेश्वर व्याना लेक और भी महाबलेश्वर के अदर टूरिस्ट प्लेस को मैंने डे 1 में कवर किया है, मैं लिंक सारा डाल दूँगी, आप उस लिंक पर जाकर के प्रीवियस ब्लॉग देख सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
सामने से मेरा निकाल देना, ठीक है।